देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डेंगू बुखार से एक की मौत, कई लोग बुखार की चपेट में। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य टीम। मैनपुरी घिरोर क्षेत्र में डेंगू बुखार व वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बचाव व सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। गाँव की गलियों में गंदगी का अंबार है, इसके चलते संक्रामक रोग फैल रहे हैं। बीते 2-3 दिनों में घिरौर क्षेत्र से जसराना रोड पर मोहल्ला दरगाई में लगभग आधा गांव बुखार की चपेट में है। डेंगू से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, MOIC डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, सुधांशु गौतम, शिवराज सिंह ने मोहल्ला दरगाई में पहुंचकर दवा वितरण का कैंप लगाया। अब बुखार से पीड़ितों की जांच कराई जा रही है व उपचार की सलाह व दवाइयों को घर जाकर वितरण किया जा रहा है। डेंगू के लक्षण मिलने पर उनको उपचार के लिए CSC पर भेजा जा रहा है। डेंगू के चपेट में आए ग्रामीण नीलम, ब्रजेश, शिवांश, मिथिलेश, पिंकी, मीना देवी, राजू तथा अन्य कई लोग बुखार की चपेट में है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि बुखार के प्रकोप से गांव में घर घर चारपाई बिछी हुई है। गांव में कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं कराया गया, जिसके कारण ये बीमारी फैल रही है। सिराज हुसैन शंभू की रिपोर्ट। इस मोहल्ले में और भी कई लोग बीमार हैं क्या? बहुत जन है, घर में 2-3 जने पड़े हैं। कहाँ कहाँ इलाज चल रहा है इनका? अगला जो यहाँ दिखा रहा हूँ दिखाई रहो है, जागी तो मालूम ना तू कहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर की टीम कल आई थी, इससे पहले नहीं आई थी कभी? ऐसे कोई आता हुआ है यहाँ मोहल्ला में कोई? ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।